तो हेलो गाइस, तो फिर स्वागत है मेरे चैनल मोटो भाई में और आपका भी स्वागत है मेरे मोटो भाई के सब्सक्राइबर्स। तो फिर मैं बताऊंगा कि ये जो सीपीयू का जो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और एक में तो कॉपीराइट क्लेम भी आया था। सबसे पहले तो ये मॉनिटर बनाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है शुरू से तो फिर उसे भी देख लेना। और ये जो है एक वीडियो को प्रो मॉडलर जो है वो लूज कर दिया था, मतलब कि हार गया था। और हम दोनों का माउस सेम है क्योंकि हम लोग को एक ही तरीका आता है और प्रो मॉडलर है वो मेरे से थोड़ा बाद में सीखना शुरू किया। तो फिर हम दोनों का सेम है, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि हम एक ही दूसरे का देख देख के बना रहे हैं। और मॉनिटर उसका थोड़ा अलग है, देखो उसका मॉनिटर अलग है, मेरा मॉनिटर देखो कि वो अलग है। तो फिर इसके वीडियो में जाते हैं कि ये क्यों हुआ कि हम लोग इससे डाले नहीं वीडियो को। और आप पता होगा कि ये जो हम लोग हैं वो डेली वीडियो डालते हैं चैलेंजेस का, और दो दिन हो गया हम लोग कोई वीडियो ही नहीं डाले। और मैंने कल कोशिश किया था डालने का, तो फिर आगे हम बताएंगे। और मेरे साथ है प्रो मॉडलर जो कि जिसके साथ मैं चैलेंज कर रहा था। चाहता तो मैं था इसका इंट्रोडक्शन देना, पर ये खुद के मुँह से इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रो मॉडलर और मेरा चैनल का नाम है प्रो मॉडलर। तो दरअसल सीन ये हुआ कि जब मोटो भाई अपना वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था, तो पूरा एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है वीडियो। फिर क्या हुआ, अपलोड करने के समय, मतलब एक्सपोर्ट करने के समय वीडियो बहुत लार्ज हो गया था, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था वीडियो। तो क्या हुआ कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अरे इतना मेरे को भी नहीं पता, आगे का ये मोटो भाई बताएगा। तो फिर गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल का नाम है प्रो मॉडलर और हम दोनों भाई भाई हैं, मतलब सगे भाई नहीं है, कजिन ब्रदर्स हैं हम लोग। तो फिर मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ कि जो वीडियो है 16 मिनट का हो गया, ठीक, क्योंकि ये मॉनिटर हम लोग को कभी नहीं बनाए थे, वैसे तो हम लोग कुछ भी कभी नहीं बनाए थे। तो फिर वो थोड़ा लार्ज हो गया, ठीक, तो फिर मैंने उसे वेरीफाई करने के लिए बोला, तो वेरीफाई भी कर लिया मैंने। अरे वेरीफाई नहीं ब्रो, वेरीफाई, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार बार बार भूल जाता हूँ, सॉरी, इसमें ध्यान मत देना मोटो भाई के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स और मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुछ सॉरी सॉरी भाइयों और बहनों, मेरे रिश्तेदारों का नाम ले दियो, ठीक है ना, ठीक है ना, भाइयों बहनों, चाचा चाची, बड़े पापा, अभी आगे बोलेगा, है ना, बोलूँगा ना बोलूँगा। तो फिर मेरे कज़न और लगता है इसको बहुत ज़्यादा ही हंसी आ रहा है। अरे मेरा स्टाइल है ये बाबूराव का स्टाइल है। तो फिर मैं बताता हूँ, तो फिर वो लास्ट हो गया था, तो मैंने वेरीफाई किया जिससे मेरा थंबनेल लगना शुरू हो गया, ठीक। उसके बाद बोला ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर मैंने उसे छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद डाला, तो फिर बोला था अरे ब्लू ये बहुत ज़्यादा ही स्टोरेज ले रहा है मामा, तो अपना स्टोरेज और अपना प्रोसेसर बढ़ाना ऐसा करके। तो मैं सोचता चल यार और छोटा कर, छोटा किया, फिर से बोला ए मामू ये अपना प्रोसेसर बढ़ाना। तो फिर मैं सोचता अब कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मैंने एक जिगड़म जुगाड़ लगाया, क्योंकि हम लोग इंडिया में हमारे दिमाग में ही जुगाड़ है और जुगाड़ तो हमारे अंदर से ही पैदा हुआ है। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि गैलरी से हम लोग छोटा कर देते हैं, फिर एडिटर ऐप में हम लोग डालेंगे। फिर हम लोग उसको वैसा किया, फिर फिर से डालना, तो बोला कि बेटा जी अपलोड प्रीव्यू, क्या बोलते हैं रे, अनेबल प्रीव्यू अपलोड, हाँ ऐसा बोल रहा। तो फिर ना मैंने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला, छोड़ देता हूँ आज। तो फिर मैंने कल 300 MB के साथ एक बार 300 MB दो दो बार मेरा खर्च किया, जो कि हो गया 700 MB, ठीक। उसके बाद 600 MB, नहीं भाई वो बहुत ज़्यादा लिया था, अरे पॉइंट्स में भी लिया था ना, मतलब कि 600 MB 60 ऐसा कुछ।
बल्कि 300 MB 60 MB टाइप का, तो फिर वैसा लिया। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम जुगाड़ लगाया और सोचा एडिटर ऐसे एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं उसे अलग से और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगा। वो डर भी गया। ठीक, तो फिर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग को पता होगा कि मैंने जो है डाला था और जल्दी डिलीट भी कर दिया था कुछ मिनट्स में, क्योंकि तो उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अनअवेलेबल था। तो फिर हम लोग जो है इसका वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, बस देख के जान लो भाई। वैसे मैं इसका तो बहुत सिंपल है गाइस, तो बस कीबोर्ड थोड़ा माउस और ये मॉनिटर का थोड़ा से मुश्किल था, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और हमारा अगला वीडियो क्या होगा वो बता देना मेरे प्रो मॉडलर के सब्सक्राइबर्स। और ये जो है प्रो मॉडलर उसके सब्सक्राइबर मेरे को भी सब्सक्राइब कर लेना और मोडो भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आगे हम लोग क्या वीडियो बनाएं उसको भी बता देना कि मेरे पास तो 3 ही ऑप्शन है, गन का ट्यूटोरियल या फिर घर का। ठीक, घर का हाउस का मतलब कि थोड़ा अच्छा से हाउस बनाएंगे और आगे चल के वीडियो में सबको कवर कर लूँगा और भी ऑप्शन ला दूँगा आपके लिए। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और प्रो मॉडल के चैनल को भी विजिट कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं असली हूँ, देखो भाई मैं इसको कर लिया। ठीक, अब प्रो मॉडलर है वो इसको नहीं कर पाया, उसका मैं ही बनाया, मतलब कि मैंने बनाया। अरे भाई तू ऐसे ही कर दिया ना, मैं अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ बना रहा था इसलिए तेरा जल्दी बना। हाँ भाई, फटाफट फटाफट बना रहा था मैं, अच्छे से एकदम असली दिखे ऐसे, इसलिए मेरा लेट हुआ। ये देखिए असली दिख रहेगा, देखो ये असली दिख रहा है, असली दिखता है। हाँ, थोड़ा सा अपडेट में फीडबैक देख के कर सकते हैं, पर अच्छा लग रहा था इसका, पर मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखो। सॉरी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना क्या बनाएंगे, गन ट्यूटोरियल बल्कि प्रो मॉडल ट्यूटोरियल बनाए कि हाउस का ट्यूटोरियल बनाए, कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में ये बता देना। और एक और था हम लोग जो है ना प्रो मॉडलर ऐप, अरे यार तेरा नाम मॉडलिंग ऐप, हाँ मॉडलिंग ऐप यार बार बार भूल जाता हूँ सॉरी। तो फिर इसका ट्यूटोरियल भी बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग तो चुतिया हो सकते हैं। अबे साले जब तो फिर इसको कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, इसका ट्यूटोरियल भी बताऊंगा। तो बाय बाय टाटा सी यू, तू भी बोल बाय बाय टाटा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब बता देना तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो 40 दिन तक कुछ नहीं आएगा। अभी फिलहाल मेरा चैनल अभी क्रिएट नहीं किया हूँ मैं, अभी आज क्रिएट कर लूँगा, एक वीडियो डालूँगा उसमें बताऊँगा कि मैं प्रो मॉडलर हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।